नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार को एक साल पूरा नहीं हुआ है और वो विवादों के घेरे में जिस तरीके से लत्ती हुई चली जा रही है उससे साफ रुख है कि 2019 के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरा हो सकते हैं सीएम योगी, क्योंकि बीजेपी के खुद सांसद एक के बाद एक यूपी में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगी सरकार से कहीं ना कहीं यूपी के सांसद संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो योगी सरकार यानी कि सीएम योगी को सांसद पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि योगी सांसदों को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे। दलित सांसद ऐसे 4 से 6 दलित सांसद हैं जिन्होंने यूपी सरकार यानी कि सीएम योगी की शिकायत डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से लेटर लिख करके की है, और इसमें तमाम तरीके के मुद्दे हैं। एक तस्वीर साफ हो जाती है कि सीएम योगी से अगर यूपी के सांसद ही संतुष्ट नहीं है तो जनता फिर कैसे संतुष्ट होगी। सवाल है, ये सवाल आगे यूपी सरकार के लिए है। क्या एक सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आखिर किया क्या है जो आज वो विवादों के घेरे में घिरती हुई चली जा रही है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर नजरिए से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही बीजेपी को हार मिली है और बीजेपी अब बहुत उस पायदान पर पहुंच गई है जहां कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यूपी के सांसद योगी आदित्यनाथ की शिकायत करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, लेटर लिख करके सीधे सीधे शिकायत हो रही है, और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार को अभी बहुत साल नहीं बीता हुआ है और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में आते जा रहे हैं। आखिर क्या है विवाद, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ दलित सांसदों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सूबे के बहराइच और रॉबर्ट्सगंज के सांसद के बाद अब इटावा के सांसद अशोक दोहरे ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से प्रदेश सरकार की शिकायत की है। पीएम मोदी से की गई शिकायत में सांसद अशोक दोहरे ने यूपी समेत दूसरे राज्यों में दलितों पर अत्याचार होने की आरोप लगाए हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि भारत बंद के बाद दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को यूपी समेत दूसरे राज्यों में प्रदेश सरकार और स्थानीय पुलिस झूठे मुकदमे में फंसा रही है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि पुलिस निर्दोष लोगों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए घरों से निकालकर मार रही है। बीजेपी सांसद अशोक दोहरे के मुताबिक पुलिस के रवैये से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में रोष और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसा करने वाले अशोक दोहरे बीजेपी के पहले दलित सांसद नहीं है। इससे पहले रॉबर्ट्सगंज से पार्टी सांसद ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया था। खरवार ने अपनी चिट्ठी में यूपी प्रशासन पर उनके घर को जबरन कब्जाने और उसे जंगल की मान्यता देने की शिकायत की थी। अपनी चिट्ठी में छोटे लाल ने जिले के आला अधिकारियों पर उनका उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, छोटे लाल ने लिखा है कि उन्होंने पूरे मामले में 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की लेकिन उन्होंने भी डांट कर भगा दिया। इससे पहले बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फुले ने तो अपनी ही सरकार के खिलाफ लखनऊ के काशीराम स्मृति भवन में एक महारैली का आयोजन किया था। इस दौरान फुले ने धमकी देते हुए कहा ताकि अगर आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, और अब पार्टी के एक और दलित सांसद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दलित सांसदों की नाराजगी पार्टी के मिशन 2019 के सपनों पर पानी फेर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बीजेपी सांसदों को दलितों को रिझाने की टिप्स दे रहे हों, मगर हाल ही में कुछ घटनाओं से साबित होता है कि दलित समुदाय का अब पीएम मोदी पर से भरोसा उठता जा रहा है। खुद बीजेपी के अंदर खाने में भी दलित समुदाय के सांसद अब खुलकर विरोध करने लगे।
पिछले 10 दिनों में यूपी के ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 4 दलित सांसदों ने बागी तेवर दिखाए। इनमें से 2 ने तो पीएम को बाकायदा चिट्ठी लिखकर दलितों के साथ हो रहे भेदभाव के आरोप लगाए। ताजा घटनाक्रम में यूपी के नगीना से सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर आरोप लगाया है कि पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार ने 30 करोड़ दलितों के लिए कुछ नहीं किया। यशवंत सिंह ने यह भी लिखा है कि वो सिर्फ आरक्षण की वजह से ही सांसद बने हैं। उन्होंने लिखा है कि सरकार या संगठन ने उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो पेशे से डॉक्टर हैं और एम्स में MD की डिग्री ले चुके हैं। सिंह ने लिखा है, जब मैं चुनकर आया था उसी समय स्वयं आपसे मिलकर प्रमोशन में आरक्षण हेतु बिल पास कराने हेतु अनुरोध किया था, परंतु 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश के लगभग 30 करोड़ दलितों के प्रत्यक्ष हित हेतु आपकी सरकार द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया, जैसे बैंक लॉक पूरा करना, आरक्षण बिल पास करना, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दिलाना आदि। बता दें कि एक दिन पहले ही बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस पर बीजेपी के दूसरे दलित सांसद अशोक दोहरे ने टीवी चैनल पर आरोप लगाया था कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान यूपी में पुलिस कर्मियों ने दलित युवकों को घरों से खींच कर बाहर निकाला और उनकी पिटाई की। इटावा से सांसद दोहरे का आरोप है कि पुलिस ने उन निर्दोष युवकों को रासुका समेत फर्जी केस में भी लगा दिए। दोहरे के मुताबिक यह दलित समुदाय का अपमान है। उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए दोषी अधिकारियों को दंडित कराने का अनुरोध किया था। दोहरे से पहले यूपी के रावर्सगंज के दलित विधायक छोटे लाल खैरवार ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर दलित उत्पीड़न की शिकायत की थी। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर अभद्र व्यवहार करने और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। खैरवार ने आरोप लगाया था कि जब उन्हें सरकारी तंत्र और पार्टी के अधिकारियों से न्याय नहीं मिला तब वो सीएम के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन 2 दिन के बाद सीएम ने उन्हें खुद वहां से खदेड़ दिया और दोबारा नहीं आने की धमकी दी थी। बता दें कि इससे पहले बहराइच से बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले ने भी बागी तेवर दिखाते हुए लखनऊ की विशाल रैली आयोजित की थी और कहा था कि वो सांसद रहे या नहीं रहे, लेकिन SC ST समुदाय का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण देने की मांग की थी। अब योगी आदित्यनाथ पर जो तलवार लटक रही है बीजेपी की, क्या प्रधानमंत्री मोदी इन सांसदों के लेटर को पढ़ करके क्या जवाब देंगे या फिर सीएम योगी को क्या समझाएंगे? क्योंकि योगी और मोदी साथ साथ कहीं ना कहीं देश पर सत्ता हासिल करने के सपने देख रहे हैं 2019 के। अगर यूपी में योगी सही से काम नहीं करेंगे तो फिर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में 2019 की सियासत कहीं योगी डगमगा तो नहीं देंगे? बीजेपी के मेहनत पर कहीं योगी पानी तो नहीं फेर देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से मेहनत करना चाहते हैं 2019 के लिए, वो चाहते हैं कि 2019 में उनकी सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए। अब सबसे ज़्यादा कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है और अगर यूपी में ही जनता संतुष्ट नहीं है बीजेपी से, सांसद संतुष्ट नहीं है, तो फिर क्या लगता है, क्या 2019 का रास्ता बंद नहीं हो जाएगा? यूपी की विरासत जो है, राजनीति है, उसको अगर आप राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो कुछ और देखेगा, अगर आप अपने नज़रिए से देखेंगे तो कुछ और नज़र आएगा। अब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ अगर सांसदों के घेरे में घिर गए हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्या कदम उठाएंगे? और एक लेटर जो दलित सांसद जो इटावा के हैं, उन्होंने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी का और जमकर के वायरल भी हो रहा है। अब इस लेटर के, क्योंकि एक नहीं 6-6 सांसद हैं जो यूपी के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रधानमंत्री से शिकायत कर रहे हैं लेटरों के जरिए, और अब प्रधानमंत्री मोदी उन पर एक्शन क्या लेंगे, देखना होगा कि आने वाला वक्त क्या कहता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।